और अब आपको दिखाते हैं कैसे राजनीतिक बहस बदल गई मुशायरे में। न्यूज 24 के कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में कल बहस का मामला था, आने वाले महीनों में क्या करेंगे केजरीवाल और क्या भ्रष्टाचार के आरोप के बाद दिल्ली के कांग्रेस और बीजेपी के जो भ्रष्ट लोग हैं वो जेल जाएंगे। ये बहस कैसे मुशायरे में बदल गई और कैसे सबसे बड़ा सवाल में शेर व शायरी का दौर चला, देखिए। जो जिम्मेदारी के साथ आज उन्होंने बातें की हैं उसमें मुझे वो बातें नजर नहीं आई जो उससे पहले वो काफी बोलते रहे हैं। मैं एक मिसरा दोहरा देता हूँ, काफी होगा अपने आप में, कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो अभी ये सरकार बनाई है उन्होंने और मैं समझता हूँ उनको हमें पूरा मौका देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए पाबंद है कि दिल्ली की जनता का भला हो और दिल्ली की जनता और ये नजाकत कांग्रेस के लिए आई है क्या? मीम अफजल साहब बहुत दिलचस्प वैसे दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के मीम अफजल साहब बहुत अच्छी तुकबंदी है आपकी, जनता देख रही है। पुरुषोत्तम जी बहुत दिलचस्प तुकबंदी नहीं है, बहुत मशहूर शेर है चाहता हूँ और वो इस बहस पर नहीं है। उसका एक बहुत मशहूर मिसरा है, ये तुकबंदी नहीं है की ट्रेनिंग से मिली है। शायरी को आप बदनाम ना करें और ये ना कहें कि तुकबंदी है। नहीं नहीं, वो देखिए वो तुकबंदी या जो भी है, मैं केवल एक टिप्पणी, मुझे कभी कभी मीडिया पे दया जैसी आती है क्योंकि जब मीडिया जो है वो मोदी जी की रैली जो है लाइव दिखाता है और मोदी जी के बहुत ही विद्वतापूर्ण भाषण घंटों तक मीडिया पर चलते रहते हैं तब मीडिया कुछ लोगों को निष्पक्ष लगता है और कुछ को लगता है कि मोदी मीडिया क्रिएशन है। अब यहाँ अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों को मीडिया क्रिएशन लग रहे हैं। तो मैं केवल ये कह रहा था चूंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं हूं और आमतौर से आलोचना ही करता हूं तो आज मुझे एकाएक मीडिया के साथ सहानुभूति हुई, उस सहानुभूति को मैं रेखांकित कर रहा हूं केवल। बाकी ये बहुत दिलचस्प, मैं इस पर टिप्पणी इसलिए चाहूंगा क्योंकि एक पॉलिटिकल है। अभी जो देख रहे हैं हम जो एक घंटे से जो हमने डिबेट किया, अभी शेर सुना दो जरा। जी जी सुनाई दीजिए सर। इरशाद इरशाद, चलिए मुशायरा हो जाए, चलिए इरशाद। जी जी सुना दीजिए, इरशाद इरशाद सुनाया जाए जी। जिक्र जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा, जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा किस दीवाने की बात करते हो, वाह वाह आशियाने की बात करते हो। तो आप लोगों का तो वो हाल हो रहा है, इसका कोई जवाब है? आनंद जी कोई जवाब है? भ्रष्टाचार क्या है आपको सब दिखाया, देखिए आप हमें क्या सिखा रहे हैं यहाँ बैठ के? भ्रष्टाचार और तमाम सारे गवर्नेंस के इशूज पर थोड़ा निष्पक्षता से बात। जवाब ये है, आनंद भाई एक मिनट प्लीज, आनंद भाई एक मिनट, शायद बात का वजन कहीं खत्म। आनंद भाई एक मिनट, रंजन साहब एक मिनट और भ्रष्टाचार एक मिनट, मीम अफजल साहब आप एक मिसरा सुनाई दीजिए, भूल जाएंगे वो। एक मिसरा और सुन लीजिए। जी जी जी, मैं पूरा शेर नहीं सुनाता, आधे में ही काम कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सुधांशु भाई से एक ही सवाल है, एक मिसरा सुन लीजिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे और से कोई गरज नहीं। नहीं, नहीं मैं तो देखिए मैं तेरी रहबरी का सवाल है, पता नहीं। चलिए ये वैसे मैं चाहता हूँ ये राहुल गांधी से किसी दिन पूछिए, ये बता काफिला क्यों लूटा तेरी रहबरी का सवाल है। ये तो राहुल गांधी पर बिल्कुल सभी काफिला कांग्रेस का लूटा है, शेर का यही सवाल है कि वो दोनों तरफ धार कर हमला करता है। चलिए जी जी, सोनिया जी ने एक्सेप्ट किया, चूंकि ये तो एक्सेप्ट भी करने लगे। एक मिनट एक जवाब, अफजल साहब अफजल साहब एक मिनट, मित्तल साहब की बात पर मुझे गालिब का एक शेर याद आया, वो जो कह रहे थे ना और वो मीडिया वाली बात जी, नहीं थी। असल में क्या हुआ है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर गवर्नेंस के सवाल पर भाजपा का रवैया कुछ इस तरह का रहा है कि गालिब का एक शेर याद आता है कि जिक्र उस परिवस का और फिर बयां अपना कि रकीब बन गया जो था राजदा अपना। बहुत शानदार, आपके पास अगर कोई शेर है तो आप सुना सकते हैं। गालिब का दूसरा शेर है, देखी आज गालिबो मीर की दिल्ली देखी, लेकिन अब दिल्ली में कुछ जो है सुनिए। जी जी जल्दी अजीत जी जल्दी, ये मिसाइल तवफ, ये तेरा बयान है गालिब, ये पुरुषोत्तम जी और आनंद जी के लिए कह रहा हूँ, तुझे हम वही समझते जो ना बादाखवार होता। हाँ तो हम तो बादाखवार हैं, अपनी बताइए। अब एक एक हम प्रोफेसर शेर है सुना, मुशायरा हो गया, सबसे बड़ा मुशायरा हो गया, सबसे बड़ा सवाल किया। प्रोफेसर साहब सर हम तो ये जानते हैं, वक्त की कमी है। प्रोफेसर आनंद कुमार, अब हमारी तरफ से तो कुल एक ही बात कहनी है और वो सुधांशु मित्तल जी के जरिए भाई नरेंद्र मोदी जी को भी कहनी है कि हम ही जब न होंगे तो ऐ रंगे महफिल,
हम ही जब ना होंगे तो ऐ रंगे महफिल किसे देखकर आप शर्माइएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आपके पास कुछ है तो इसको इसी तोड़ने का देना पड़ेगा। बस इतनी अल्टीमेट है, नजर झुका के आइएगा, हम देखते रह जाएंगे।